एक और देश और दुनिया में कोरोना महामारी के चलते ज्यादातर उद्योग ठप हो चुके हैं या मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन कच्छ के नमक उद्योग में तेजी का माहौल है। गुजरात के कच्छ के रण में और खाड़ी के इलाकों में बनने वाला नमक देश में करीब 75% नमक की मांग पूरा करता है और इन दिनों ये नमक उद्योग और तेजी से बढ़ता जा रहा है और मार्केट में लगातार नमक की मांग बढ़ती जा रही है और कच्छ का नमक इन दिनों यूरोप अमेरिका समेत अन्य देशों में भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जिसके पीछे की वजह है राजस्थान के सांभर जिले के आसपास उत्पादित होने वाला नमक, जिसे अब दूसरे देशों में निर्यात करने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, क्योंकि सांभर जिले के आसपास के इलाकों में इस साल हजारों पक्षियों की मौत का मामला सामने आया है और उसके बाद यहां से नमक सप्लाई पर रोक लग गई है। इससे पहले सांभर लेक के इलाके में उत्पादित होने वाला नमक उत्तर भारत में नमक की मांग को पूरा करता था, लेकिन अब कच्छ से उत्तर भारत में नमक भेजा जा रहा है और पिछले एक साल से नमक उद्योग में जो मंदी का माहौल बना हुआ था वो अब अचानक से रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। जो पिछली सीजन थी उसमें नमक उद्योग को काफ़ी एक मंदी का वातावरण आया था, जिसमें बहुत हताशा हो गई थी हमारे लोकल नमक उद्योग के व्यापारियों में। जबकि ये लॉकडाउन के बाद जो देश की और जो विदेश की एक जो डिमांड आई है उसकी वजह से रोड, रेल और सी में अच्छा मूवमेंट हो रहा है। हाँ, हालांकि ये जो बारिश हुई उसमें बारिश में बहुत ज़मीन का एक नुकसान उद्योग को सहना पड़ा है, बट ऐसी आशा जागी है कि अगर ये नमक के भाव, जो नमक के रेट है, अगर वो रह जाते हैं तो ये सीजन में बहुत अच्छी एक होने की संभावना है और व्यापारी के साथ लेबर को बहुत बड़ा इसमें फायदा हो सकता है। तो वही दूसरी ओर देश और दुनिया में कच्छ के नमक की मांग बढ़ रही है, जिसे पूरा करने के लिए भारतीय रेलवे का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि कच्छ से देश के विभिन्न हिस्सों तक नमक पहुंचाने के लिए रेल सेवा का उपयोग ज्यादातर उद्योगकार कर रहे थे। देश भर में सॉल्ट कच्छ से भेजा जाता है, अराउंड 70% of salt to the country is being supplied from this area. इस साल हम देख रहे हैं कि औसतन एक रेक एवरेज डेली ज़्यादा लोड हो रहा है, माने 2,500 टन एवरेज पिछले साल से इस साल ज़्यादा नमक रोज़ कच्छ से हिंदुस्तान देश भर में भेजा जा रहा है। और ये तेज़ी का प्रमुख कारण है कि राजस्थान से शॉर्ट सप्लाई और थोड़ा डिमांड सर्ज ऑल अक्रॉस दी कंट्री बिकॉज ऑफ दी कोरोना क्राइसिस। स्टैकिंग भी लोग स्टोरेज भी ज़्यादा कर रहे हैं, इसको इस कारण से हो रहा है। तो जैसे कि आपने देखा कि किस तरह से मंदी झेल रहे कच्छ के नमक व्यापार को लंबे समय बाद आखिरकार राहत की सांस मिली है और व्यापार तेजी से आगे बढ़ रहा है। कच्छ से गुजरात तक के लिए कौशिक कांटेचा की रिपोर्ट।